रतन जी टाटा ने नई पीढ़ी के साथ हमेशा कदम ताल बनाकर रखी। 1991 से 2012 तक वे टाटा समूह के अध्यक्ष रहे और उन्होंने इसको दुनिया के 120 से ज़्यादा देशों में पहुंचा दिया। इस अवधि में 42 अरब रुपए का समूह उनके नेतृत्व में 84 खरब रुपए का हो गया। 86 वर्ष की उम्र में भी रतन टाटा को जनरेशन गैप जैसी समस्या नहीं थी। जीवन के अंतिम वर्षों में 30 वर्षीय शांतनु नायडू उनके सहायक और मित्र थे। टीनेजर्स से बातें करने, आइडिया शेयर करने में वे संकोच नहीं करते थे। शांतनु बताते हैं कि 2019 में हम दोनों केरल टूर पर गए थे। उन्हें सूरज की रोशनी लेना, तैराकी करना पसंद था। यंग जनरेशन के साथ मिलकर उन्होंने बिग बास्केट, 1MG, टाटा क्विक, नियो जैसे दर्जनों नए स्टार्टअप्स की शुरुआत की और उन्हें आगे बढ़ाया। यह काम वे अब भी कर रहे थे।